नए ट्रैफिक नियमों को लेकर बढ़ी सियासत, जहां चुनाव होने वाले हैं वहां राज्य सरकारें दे रही है राहत। महाराष्ट्र सरकार ने गडकरी को लिखी चिट्ठी, केंद्र से जुर्माने की राशि कम करने की मांग। झारखंड के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा, सरकार चालान की राशि को लेकर कर रही विचार। गुजरात में ट्रैफिक फाइन घटाने को लेकर बड़ा विवाद, नितिन गडकरी बोले, लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार ने लिया फैसला। गुजरात सरकार ने ट्रैफिक फाइन को घटाकर किया आधा, सीएम बोले, राज्य सरकार कर सकती है प्रावधानों में बदलाव। गुजरात के बाद उत्तराखंड की कैबिनेट का फैसला, जुर्माने की रकम में आंशिक संशोधन। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माने की रकम आधा, 5,000 से घटाकर 2,500 किया। अनाधिकृत गाड़ियों को बेचने पर जुर्माने पर था 1,00,000, इसे भी उत्तराखंड में घटाकर 50,000 किया। पश्चिम बंगाल में नहीं होगा लागू नया मोटर व्हीकल एक्ट, सीएम ममता बनर्जी ने कानून को लोगों पर बोझ बताया। नए मोटर वाहन कानून के विरोध में झारखंड विकास मोर्चा ने निकाला साइकिल रिक्शा आक्रोश मार्च। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा, ट्रैफिक जुर्माने के लिए गुजरात मॉडल को अपनाने पर विचार। अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में बंद हो ट्रैफिक, टेररिज्म जनता को परेशान करना बंद करे पुलिस। दिल्ली में नितिन गडकरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, नए ट्रैफिक नियम के विरोध में हल्ला बोल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर दिखा पीएम की अपील का असर, प्लास्टिक की बोतल की जगह ग्लास में रखवाया पानी। महाराष्ट्र हरियाणा में विधानसभा चुनाव की आहट, 2 से 3 दिन में ऐलान के आसार, दिसंबर में हो सकता है झारखंड का इलेक्शन। पीएम मोदी आज जा सकते हैं झारखंड के दौरे पर, कई बड़ी योजनाओं का ऐलान। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश को करेंगे समर्पित, 18 से 40 साल के किसान करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। 60 साल की उम्र के बाद किसानों को मिलेगी 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन, झारखंड में 1,25,000 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन। दुकानदार और स्वरोजगारियों के लिए भी राष्ट्रीय पेंशन योजना का करेंगे शुभारंभ, प्रभात तारा मैदान में रैली। रांची पहुंचने पर सबसे पहले झारखंड विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम, डाक टिकट भी करेंगे जारी। साहिबगंज के मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन, सचिवालय भवन का करेंगे शिलान्यास। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी शिलान्यास करेंगे पीएम, देशभर में बनेंगे 462 ऐसे स्कूल। एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी खलबली, आज ममता बनर्जी निकालेंगी मार्च। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडू और उनके बेटे को 24 घंटे तक घर में किया नजरबंद, पुलिस की कर रही है जबरदस्त तैनाती। चलो टकमाकुरू की अपील को लेकर नायडू को लिया गया है हिरासत में, नायडू ने कहा जिन्हें गांव छोड़ना पड़ा मैं उनके साथ। चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, न्यायिक हिरासत को भी चुनौती। एनएक्स मीडिया से जुड़े केस में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, ईडी के सामने सरेंडर करने की याचिका। राउस एवेन्यू कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की भी याचिका, विदेश दौरे के लिए मांगी इजाजत। कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के बेटी को ईडी का समन, आज दिल्ली में पेशी। वाराणसी में स्वच्छता दूत मंगल केवट अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ बैठा धरने पर, मंगल केवट को पीएम ने दिलाई थी बीजेपी की सदस्यता। पटना में एटीएम का क्लोन बनाकर बैंक से पैसे लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 लोग गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, मारे गए 2 बदमाश, 2 सिपाही घायल। दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का संयुक्त अभियान, स्पा सेंटर में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। देहरादून में देह व्यापार का खुलासा, 7 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने 6 लड़कियों को कराया आजाद। एसईईआरटी की प्रतियोगिता परीक्षा पास 69,000 शिक्षक, 9 महीनों बाद भी भर्ती के इंतजार में, सचिवालय के सामने दिया धरना। रामपुर में अब दोषी कर्मचारी और अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज, आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट में बिजली और पानी की चोरी का मामला। पंजाब के कपूरथला में आबकारी विभाग का छापा, तस्करों की कोठी से अवैध शराब जब्त। पंजाब के होशियारपुर में एक इंस्पेक्टर का सड़क पर खौफनाक स्टंट का वीडियो वायरल, नशे में धुत होकर एक टायर के बिना चलाता रहा कार। बिहार के बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर हिंसा, 24 घंटे में 4 महिलाओं की पिटाई। पटना सिटी में बच्चा चोरी की अफवाह में युवक की पिटाई, बाद में ट्रक ड्राइवर के रूप में हुई पहचान। सीतापुर में मामूली विवाद में हत्या, आरोपी ने अपने साथी युवक पर बम से किया हमला। एटा में पैसे के लेन देन के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, 2 लोग घायल। कानपुर में फर्जी दारोगा बनकर लोगों से वसूली करने वाले गिरफ्तार, पहले भी फर्जी दारोगा बनने पर जा चुका है जेल। मदुरई में बेकाबू कार ने साइकिल सवार को कुचला, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें।
फरुखाबाद में मेधावी छात्रों को मिला चेक हुआ बाउंस, सीएम योगी ने बांटे थे 21,000 के चेक। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा। भोपाल में डैम से छोड़ा गया पानी, निचले इलाके जलमग्न, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। होशंगाबाद में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, पीड़ितों का रेस्क्यू कराने वाली फोर्स खुद को बचाने में लगी। सीहोर में बारिश की वजह से बाजार में घुटनों तक भरा पानी, सीवन नदी में उफान से बिगड़े हालात। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी में जान जोखिम में डालकर तैरते दिखे युवा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा। गुजरात में भारी बारिश की मौसम विभाग ने जताई आशंका, अहमदाबाद में कई घरों में घुसा पानी, परेशान हुए लोग। अहमदाबाद के सरदार सरोवर डैम के खोले गए 23 गेट, डैम से छोड़ा जा रहा है 8.5 लाख क्यूसेक पानी। डैम से पानी छोड़ने से भरूच में खतरे के निशान से 6 फीट ऊपर बह रही है नर्मदा नदी, 20 गांव को किया गया अलर्ट। जूनागढ़ में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश, सड़कों पर आया सैलाब। जूनागढ़ के मागरोल में एक रात में 6 इंच बरसात, सभी नदियां उफान पर। मध्य प्रदेश के सीहोर में पैर फिसलने से नदी में गिरी बच्ची, लोगों ने बचाई जान। रामपुर में कारतूस बनाते हुए 2 शख्स रंगे हाथ गिरफ्तार, भारी मात्रा में कारतूस बनाने के उपकरण बरामद। पंजाब के बठिंडा में कर्ज की वजह से किसान ने दी जान, सरपंच के मुताबिक 8 से 10 लाख का था कर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधी सड़क पर युवक को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद वारदात। लखनऊ में चेकिंग के दौरान हादसा, महिला कांस्टेबल गाड़ी के साथ घिसटी। चालान से बचने की कोशिश में भाग रहा था स्कूटी सवार, पीछे से गाड़ी पकड़ने की कोशिश में गिरी कांस्टेबल। भीड़ में बीजेपी नेता ने पुलिस को धक्का मारकर खदेड़ा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट चेंबर में घुसने से रोक रहे थे पुलिसकर्मी। गाजियाबाद में बैंक से पैसा लेकर आ रहे युवक से लूटपाट, पैसों से भरा बैग छीनकर फरार। दिल्ली पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, 10 किलो हेरोइन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर के मुनाबाव बॉर्डर से घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी को सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसी। अजमेर में दिन दहाड़े चेन झपट मारी, 2 बदमाशों ने धक्का देकर की लूटपाट। बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर इंजीनियर ने लगाया धमकी देने और गाली देने का आरोप, पुलिस को सौंपा ऑडियो। पटियाला में नहर में नहाने गए 4 दोस्तों में से एक डूबा, युवक को तलाशने में जुटे गोताखोर। रांची में फसल चोरी के आरोप में 2 महिलाओं की पेड़ से बांधकर पिटाई, पिटाई के बाद दोनों के बाल काटे। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा भैया के पिता उदय प्रताप पर केस दर्ज, धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा। हनुमान मंदिर पर पूजा पाठ और भंडारे को लेकर अड़े थे भद्री के राजा उदय प्रताप, जिला प्रशासन ने किया नजरबंद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री बद्री लाल यादव ने कहा कमलनाथ सपेरे की तरह बीन बजाकर निकाल रहे हैं तरह तरह के सांप। दिल्ली सरकार की 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने की योजना पर एनजीटी का एतराज, कहा बढ़ेगा पानी के दुरुपयोग। पुडुचेरी में राशन की दुकान पर काम करने वाले मजदूरों ने कहा 26 महीने से नहीं मिला है वेतन। झारखंड के जमशेदपुर में गणेश पूजा के दौरान थाना प्रभारी के ड्राइवर का जलवा, बारबालाओं पर उड़ाए नोट। गाजियाबाद के पासपोर्ट सेवा केंद्र पर हंगामा, एक शख्स ने डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर पर लगाया मारपीट और अभद्रता का आरोप। यूपी के बदायूं में ग्राम पंचायत की लापरवाही, पेंशन लेने वाले 7 जिंदा लोगों को बताया मृत। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपने ही शाद के दौरान घर में जिंदा लौटा युवक, 25 अगस्त से था लापता, लावारिस शव की पहचान कर परिवार ने किया था अंतिम संस्कार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज छात्र संगठनों का चुनाव, एबीवीपी और एनएसयूआई समेत कई संगठन मैदान में। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में मुख्यमंत्री फडणवीस ने लगाई हाजिरी, गणपति के लिए किए दर्शन। आज होगी गणपति की विदाई, मुंबई में बप्पा के विसर्जन के लिए जोरदार तैयारियां। विशाखापट्टनम में गुड़ गणेश मंदिर में पूजा, 1100 साल पुराना बताया जाता है मंदिर। स्कॉटलैंड में गणपति उत्सव का शानदार आयोजन, जमकर झूमे भारतीय समुदाय के लोग। स्कॉटलैंड में रंग बिरंगे कपड़ों में झूमते नजर आए लोग, ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की। अगले 3 महीनों में केवल 19% कंपनियां करेंगी नई हायरिंग, एक सर्वे का दावा, 52% कंपनियां नहीं करेंगी भर्ती। मंदी में सोना बना निवेशकों की पहली पसंद, अगस्त में गोल्ड ETF में 145 करोड़ तक का निवेश। सुमंता ने स्वास्थ्य सरकार की कवायदों का किया समर्थन, कहा एकदम सही है निकोटीन डिलीवरी सिस्टम से नुकसान का दावा। होंडा ने लॉन्च किया देश का पहला BS6
6 स्कूटर, नए एक्टिवा 125 की कीमत पहले से 5,000 ज्यादा। अगस्त में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कारों में मारुति की 8 कारें डिजायर बनी नंबर 1 कार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, आज दिल्ली में 2 बजे शुरू होगी सिलेक्शन कमेटी की बैठक। टेस्ट से कट सकता है केएल राहुल का पत्ता, चीफ सेलेक्टर ने दिया है रोहित से टेस्ट में ओपन कराने का संकेत। आज बदलेगा कोटला स्टेडियम का नाम, दिवंगत अरुण जेटली के नाम से जाना जाएगा स्टेडियम। विराट कोहली के नाम पर रखा जाएगा कोटला के एक स्टैंड का नाम, शाम 6 बजे से शुरू होगा समारोह, कोहली करेंगे उद्घाटन। आखिरी एशेज टेस्ट से बाहर हुए इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीत के हीरो जेसन रॉय, खराब प्रदर्शन की वजह से सिलेक्टर्स का फैसला। सांगली महानगर पालिका ने वर्ल्ड बैंक से मांगी 300 करोड़ रुपए की मदद, बैंक के 3 अधिकारियों ने लिया जायजा। पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला दलजीत पाल सिंह बराज चुना गया, कैनेडा के स्टेट विनिपेग में MLA, गांव में माता पिता बेहद खुश। बिहार के मोतिहारी में चालान काटने की जगह पुलिस की नई पहल, चौकी के पास खुली हेलमेट दुकान, बैठे बीमा एजेंट। इंग्लिश चैनल पार करने वाली उदयपुर की नन्ही जलपरी गौरवी सिंह भी लौटी अपने शहर एयरपोर्ट पर, जबरदस्त स्वागत। चिली का विलारिका ज्वालामुखी सक्रिय, जारी किया गया अलर्ट।